हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया कैंपेनिंग शुरू किया है रिलेटेड टू अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो ये आपके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस होती है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो इंडिया की इनकम ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अगर किसी फॉरेन कंट्री में से आपको कोई इनकम हो रही है, चाहे वो वहां के बैंक अकाउंट्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी आपकी असेट्स है जहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है या कुछ भी हो, इस तरीके की इनकम जब आपको जनरेट हो रही है या फिर आपका अब्रॉड में कोई असेट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में देनी होती है। ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ये सब चीजें अपनी इंडियन रिटर्न में, तो वो लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने एक नया कैंपेनिंग शुरू किया है जिसके बारे में अभी रिसेंटली 13 नवंबर को ऑनलाइन डाला गया। इस कैंपेनिंग के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यहां मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात इसलिए कर रही हूँ, इससे पहले भी आपके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन थी बट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये इसलिए कही जा रही है बात क्योंकि इस रिटर्न को रिवाइज करने का अभी आपके पास टाइम है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जब आपने रिटर्न को फाइल किया, अगर आपके पास फॉरेन असेट्स हैं या फिर फॉरेन से आपको कोई इनकम आती है और आपने वो डिस्क्लोज नहीं की थी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, तो आप आज ही अपनी रिटर्न को रिवाइज करके उस इनकम को या फिर उस असेट्स को डिस्क्लोज कर दीजिए। तो पे करनी पड़ सकती है पेनल्टी अंडर द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। इसी से रिलेटेड एक कैंपेनिंग रन की है डिपार्टमेंट ने, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज एक्टिवली अर्जिंग टैक्स पेयर टू वॉलेंट्री डिक्लेयर एनी मिस्ड रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन असेट्स और इनकम बाय 31 दिसंबर 2024। यहां 31 दिसंबर 2024 डेट इन्होंने इसलिए दी है क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं तो इस रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 की है, इसीलिए इन्होंने डेडलाइन यहां पे 31 दिसंबर 2024 मेंशन की है। अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी सीरियस लाइक ₹10 लाख फाइन और इवन जेल इन सम केसेस। तो आपके ऊपर अगर आप इस तरीके की डिस्क्लोजर नहीं देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर आपको पे करना पड़ सकता है फाइन विच इज अप टू ₹10 लाख। The department has also revealed that India received detailed information about the financial accounts held by its resident in the several foreign jurisdictions, so there is no point in hiding the wealth abroad. देखिए taxpayers के mind में क्या होता है कि हमें क्या जरूरत है बाहर की income दिखाने की या बाहर की income पे भी tax pay करने की या फिर हर किसी को ये बताने की क्या जरूरत है कि हमारे पास अब्रॉड में भी ये सब चीजें हैं, ये सारी असेट्स हमारी अब्रॉड में भी हैं, किसी को क्या पता लगेगा। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कि इस कैंपेनिंग में भी बात कही गई है कि जो जो भी आपके फॉरेन में असेट्स है वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास आ जाती है क्योंकि कंट्रीज के आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू अगर कोई भी पर्सन अब्रॉड में असेट्स को होल्ड कर रहा है जो कि उस कंट्री का सिटीजन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज की जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जिस कंट्री का वो सिटीजन है। तो डिपार्टमेंट को सब पता है, आप ये मत सोचिए कि डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि आपके पास क्या क्या है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास शेयर होती रहती है। आपके ऊपर भी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी तरफ से इस इन्फॉर्मेशन को हाइड ना करें। तो 31 दिसंबर तक इसको इन्फॉर्मेशन को नहीं डाला या अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी ₹10 लाख तक की पे करनी पड़ सकती है। आपको टैक्स रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी चाहिए थी अपनी, वहां पे दो कॉलम होते हैं आपके, एक तो होता है FA फॉरेन एसेट्स के जो फिक्स एसेट्स हैं उसको डिस्क्लोज करने से रिलेटेड होता है ये, और एक होता है FSI फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी कोई बाहर की कंट्रीज से इनकम आ रही है तो वो आपको डिस्क्लोज करनी होती है FSI के अंदर, और अगर बाहर अब्रॉड में आपका कोई असेट है तो वो आपको डिस्क्लोज करना होता है फॉरेन असेट्स के अंदर। अब यहाँ पे एक क्वेरी आती है कि किस किस तरीके के असेट आपके हो सकते हैं फॉरेन में। देखिए ये किसी भी तरीके के आपके असेट हो सकते हैं, फॉरेन असेट सच एज डिपोजिटरी अकाउंट, इक्विटी और डेप्ट इंटरेस्ट होल्डिंग, कैपिटल असेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट, कस्टोडियन, कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स,
अकाउंट वेयर पर्सन इज द सिग्नेटरी और द बेनिफिशरी। तो आपके जो दूसरी कंट्री में या फिर अब्रॉड में जो असेट है उसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा वास्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपकी हो सकती है, अगर किसी और का भी अकाउंट है, आप उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी है तो वो भी आपकी उसमें अकाउंट होता है, आपकी कोई इंश्योरेंस चल रही है बाहर की कंट्री में तो वो भी आपकी इसमें काउंट होगी। मतलब व्हाट सो एवर 1 रुपी का भी अगर कोई आपका है बाहर की कंट्रीज में असेट तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय, जो आपका कॉलम दिया होता है FA फिक्स्ड असेट्स के अंदर, सेम एज अगर आपकी उनके ऊपर कोई इनकम अर्न हो रही है तो आपको वो डिस्क्लोज करनी होती है फॉरेन इनकम अदर सोर्स के अंदर, जो कि आपके इनकम टैक्स की रिटर्न में कॉलम दिए गए हैं। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अपनी जो डिस्क्लोजर्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिए थे, आपने दिए हैं उसमें कुछ कमियां हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप 31 दिसंबर तक उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस ईयर में तो सही करी है बट पिछले सालों की रिटर्न में प्रॉब्लम्स थी, वहां आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो उस रिटर्न में ठीक करने का भी आपके पास ऑप्शन है। एक रिटर्न होती है आपकी ITR U के थ्रू आप अपनी रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं, पिछले 2 साल की रिटर्न आप अपनी अपडेट कर सकते हैं और उसमें जो भी कमियां थी रिटर्न फाइलिंग में उनको आप ठीक करके इस रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। बट ITR U में यू हर कोई यूज नहीं कर सकता, ITR U की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तभी आप ITR U को डिस्क्लोजर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर की बात करूं तो अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो उसके ऊपर तो आपका टैक्स बनेगा, लेकिन अगर आपका कोई फॉरेन असेट है जो आपको डिस्क्लोज करना है तो जस्ट फॉर डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू आप ITR U को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो पीछे जितने आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए और 23-24 को तो आप रिवाइज कर ही लीजिए अगर आपने डिस्क्लोजर सही नहीं दिया है तो, क्योंकि कैंपेनिंग के थ्रू आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है, आप अपनी जो गलती, अगर मैं कहूं कि आप अपनी गलती मान लीजिए और अपनी रिटर्न को रिवाइज करके अपनी जो सारी असेट है वो डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर आप अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी अंडर द ब्लैक मनी एक्ट अप्लाई इफ द फॉरेन असेट्स और इनकम आर अनडिस्क्लोज इनिशियली, सेवरल पेनल्टीज अप टू 3 times ऑफ टैक्स ड्यू एंड प्रोसिक्यूशंस अवेट वायलेटर्स, सर्टेन टैक्स पेयर विद द टैक्स लायबिलिटी और इन्वेस्टिगेशंस नीड अ टैक्स क्लियरिंग सर्टिफिकेट बिफोर लीविंग इंडिया, एंश्योरिंग ड्यूज आर पेड फ्लिंग कंप्लाई। तो अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी जो भी टैक्स ड्यू है उसकी 3 times तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, 10 lakh rupees आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसिक्यूशंस की भी इसमें गाइडलाइन है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इस एक्ट के अंदर। इस बजट 2024 में इसकी जो पेनल्टी है उसको रिड्यूस भी किया गया था। पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन ऑफ ब्लैक मनी एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेट्स बीइंग वन और मोर बैंक अकाउंट हैविंग एन एग्रीगेट बैलेंस व्हिच डज नॉट एक्सीड अ वैल्यू इक्विवेलेंट टू ₹5 lakh एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर 1st October 2024, सच पेनल्टी शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट और असेट्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच असेट और असेट डज नॉट एक्सीड 20 lakh। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी जो असेट का डिस्क्लोजर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और आपका असेट था लाइक बैंक अकाउंट वगैरह, और उसकी वैल्यू अगर आपकी 20 lakh rupees से कम है तो उस केस में मे भी हो सकता है कि आपके ऊपर पिनल प्रोविजन ना लगे, क्योंकि बजट 2024 में इस एक्ट को चेंज किया गया था, या फिर आपकी जो इनकम है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की है उसकी वैल्यू 5 lakh rupees से कम है तो आप इस पेनल्टी से हो सकता है बच जाए। बट आई सजेस्टेड कि अगर आपकी फॉरेन सोर्सेज से कोई इनकम है या वहां पे असेट है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करके अपनी जो भी डिस्क्लोजर है उसको प्रॉपरली दे दीजिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो CBDT का न्यू कैंपेनिंग रन हो रहा है आजकल उस चीज से रिलेटेड। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।